हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि सबकी प्रॉब्लम होती है कि वो आपका एक्टिवेट नहीं होता, हम उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर कंप्यूटर यूजर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो उसको एक्टिवेट कैसे करें। और अगर आप इसको एक्टिवेट कराने के लिए किसी शॉप पर जाते हैं तो वो आपसे चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा कि बिना चार्ज के आप इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। देखिए, हम अपना MS Word पहले ओपन करते हैं, देखते हैं हम हमारा क्या है। देखिए, ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रही है कि प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड। क्या लिखा रहा है ऊपर? प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड और रेड मार्क आ रहा है। ठीक है, तो हम इसका एक्टिवेट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा जो MS Office का वर्जन है वो कौन सा है। उसके लिए हम टाइप करेंगे AWPWIZ.CPL। क्या? .CPL, उसको हम टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो MS Office का वर्जन है वो है 2010। तो मैं अपने 2010 के वर्जन को एक्टिवेट करूँगा। हम क्रोम पे आते हैं, उसके बाद हमें टाइप करना है MS Office, उसके बाद हमारा जो भी वर्जन है, जैसे मेरा 2010 है तो अपना वो टाइप करूँगा MS Office 2010 bit.ly। आपका जो भी वर्जन है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे आपका 16 है तो आप 16 टाइप कर सकते हैं, 2019 है तो आप 19 टाइप कर सकते हैं, और उसको हम एंटर करेंगे तो आपके यहाँ पे कुछ ऐसा लेआउट ओपन हो जाएगा। तो हम पहला लेआउट, अपना जो भी हमारा पहला लिंक है, हम उसको क्लिक करते हैं। आइए, तो हमारे सामने कुछ ऐसी कोडिंग आ जाती है। देख सकते हैं आप, हमारे सामने ऐसी कोडिंग आ चुकी है। तो हम इसको पूरी कोडिंग को, सिर्फ कोडिंग को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, हम ऊपर से नीचे तक पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक, हाँ, ये हमारा कंट्रोल सी हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी से हमने कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नोटपैड अपना ओपन करते हैं। नोटपैड हमने क्या किया, हमने अपना नोटपैड ओपन किया, उसको हम क्या कर देंगे, पूरी कोडिंग को इस पर पेस्ट कर देंगे और सिंपल इसको हम सेव करेंगे। ठीक, तो सेम, अब आपको सेव में ये ध्यान रखिए कि आप इसमें कुछ भी नाम, सोनू मोनू टून कुछ भी नाम डालिए, बस आपको ये याद रखना है कि आपको इसमें .cmd जो भी आपका फाइल नेम है उसके बाद .cmd आपको लिखना ही लिखना है। उसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो चुका, तो आइए हम देखते हैं हमारा सेव हो, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये हमारा देखिए कुछ इस तरीके का आइकन आ चुका है। तो हम इसको अब करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है, देखते हैं, ओपन हो जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लेता है। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा इसको .cmd तो आपको करना है। जैसे हमारे ये स्टार्ट हो चुका है एक्टिवेशन, देख सकते हैं एक्टिवेटिंग योर ऑफिस लिखा भी आ रहा है इस पर। ठीक, साधन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रोडक्ट एक्टिवेशन सक्सेसफुल। ठीक है, मतलब हमारा MS Office एक्टिवेट हो चुका है। आइए हम चेक करते क्या सचमुच ये हुआ भी है। जैसे कि मैं अपना वर्ड ओपन करता हूँ, देखिए अब इस पे यहाँ पे कोई भी ऐसा लिखा नहीं आ रहा कि प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड, क्या मेरा MS Office एक्टिवेट नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसको हम बिना किसी चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।